आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर टॉप डाउन ट्रांसलेशन के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन ट्रांसलेशन। तो टॉप डाउन ट्रांसलेशन के लिए हमको सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन की अप्रोच को यूज करना है। इट मीन्स दैट व्हाट, हम सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को यूज करेंगे, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन को, लेकिन जो मैनर है, जो यानी हम अप्रोच यूज कर रहे हैं, वो टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि बॉटम अप अप्रोच को कैसे यूटिलाइज किया जाता है फॉर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ और एस एट्रीब्यूट्स के साथ। ठीक है, चलिए। तो टॉप डाउन अप्रोच, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है टॉप डाउन अप्रोच का, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो एल एट्रीब्यूट डेफिनेशन यूज करता है फॉर प्रिडिक्टिव ऑफ द पार्सिंग यूजिंग द लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर एंड लेफ्ट रिकर्सन एलिमिनेशन एल्गोरिथम। तो यहाँ जो पूरा का पूरा बात जो है वो ये है गाइस, कि आपको टॉप डाउन अप्रोच जब भी आप यूज करेंगे तो आपकी ग्रामर में जो है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर और लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर को कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। क्लियर। अब जो टॉप डाउन ट्रांसलेशन है, जैसे कि आप इस ग्रामर में देख रहे हैं, हमारे पास एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है। सर्टेन सेट ऑफ रूल्स ई है, ई है, ई है, टी टी। तो ये इसने क्या किया, इसने प्रोडक्शन रूल बनाया। तो प्रोडक्शन रूल हमको ई वन प्लस ऑफ टी, ई वन प्लस ई वन माइनस ऑफ टी, ई टी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू टी दे रहा है, और टी प्रोड्यूस करता है इन साइड द पैरेंथेसिस ऑफ ई, एंड फाइनली टी इज प्रोड्यूसेस द वन टर्मिनल, और वो टर्मिनल है हमारा न्यूमेरिकल टाइप का टर्मिनल। और उसी के साथ में एडजेसेंट में आप देखिए उसका सिमेंटिक रूल्स जो है वो भी हमने बना के रखा हुआ है। तो ई डॉट वेल, ई डॉट वेल वैल्यू जो यहाँ पर है वो एट्रीब्यूट्स है, मे बी या सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हो सकता है या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हो सकता है, जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन को, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के बिहाफ में होल्ड करके रखेगा, जिसका फर्दर यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसा कि हमने जब सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन की वीडियो लेक्चर कवर करी थी, तब उसमें ये हमने प्रोसेस को समझा था। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसे होगा। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हमको इवैल्यूएट करना है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन इवैल्यूएट जो करना है वो है 9 माइनस 5 प्लस 2। क्लियर। और हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ये ग्रामर में आप देखिए, ये जो फिगर है यहाँ ग्रामर में देखिए, जो सिमेंटिक सेट ऑफ रूल्स हैं ये हम चला रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ट्री और ये हमारा हो गया सिमेंटिक सेट ऑफ रूल्स। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो इवैल्यूएशन होगा वो टॉप टू बॉटम होगा। तो इवैल्यूएट करने की प्रोसेस सेम है, इवैल्यूएट करना चालू करते हैं। तो इवैल्यूएशन हुआ, सबसे पहले इनका सबका हमने जो भी हमने जो सिमेंटिक रूल्स निकाला था वो सिमेंटिक रूल्स हमने यहाँ ऐड ऑन कर दिए। सिमेंटिक रूल्स ऐड ऑन करने के बाद हमने इसको इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया। तो इवैल्यूएट किया तो सबसे पहले जो हमारे पास रूल आया है वो आया है कि टी डॉट वेल जो है, टी डॉट वेल वो कितना वैल्यू होगा। टी डॉट वेल का जो वैल्यू यहाँ पे रखा है ट्री में, देखिए आप जो टी डॉट वेल का जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो 2 रख रहे हैं सिमेंटिक रूल्स के हिसाब से, ठीक है। फिर ऊपर चले, जब हमने अच्छा टॉप टू, ये टॉप टू बॉटम है तो ई से इवैल्यूएट करना चालू किया। टी डॉट वेल जो है वो 9 आएगा, फिर यहाँ पर जो इसका आर डॉट आई है वो इक्वल्स टू 9 है, न्यूमेरिक वैल्यू हमने जो है वो 9 रखी है। फिर इसमें इवैल्यूएट किया माइनस के साथ, टी डॉट वेल का वैल्यू जो है फिर 4 आएगा, इनमें प्लस ऑपरेटर है। तो हमको क्या करना है गाइज, इसको स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते हुए फाइनली इसको इवैल्यूएट करना है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, टॉप डाउन ट्रांसलेशन यूजिंग दिस इनहेरिट दैट एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये वीडियो आधारित है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।